हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, ये न्यू मशीन है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारा सूता लग गया है। आप लोग भी मशीन ले जाते हैं, सूता लग जाने से क्या होता है कि देखिए, इसमें सूता लग जाने से इसको चलाएंगे तो देखिए जाम चल रहा है। देखिए जाम चल रहा है, इसमें अंदर में सूता लग गया है। तो इसको क्या करना है, ये नाल शटर जो हमारा है इसको खोल के देखिए, इसको हम प्लेट निकाल दिए हैं कि आपको देखने में आसानी होगा। इसको हम खोलेंगे, पूरा खोल के सूता साफ करेंगे, जैसे हमारा मशीन आगे की तरफ फ्री हो जाए उसके बारे में आपको हम आज जानकारी देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप खुद कर सकते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो हमारा सूता लग के जाम हो जाता है, तो इसका वजह क्या होता है कि साउंड भी आता है, मशीन भारी भी चलता है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बबिन केस निकाल लेना है। ये हमारा बबिन केस निकला। अब ये दोनों साइड का जो स्क्रू होता है, जो रेस बॉडी का स्क्रू बोला जाता है या नाल स्क्रू बोला जाता है, इसको खोल लेना है आपको। देखिए, ये दोनों स्क्रू नाल शटर में लगता है, इसको हमने पूरा निकाल लिए हैं। अब इसको हम ऐसे ऊपर की तरह उठाएंगे। देखिए, उठा लिए हैं। अब इसको नीचे रख के देखिए मशीन चला रहे हैं। ये खोल देने के बाद में हमारा मशीन पूरा फ्री है, पूरा फ्री है, पूरा साउंडलेस है, इसमें थोड़ा भी साउंड नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम हुआ था क्या, ये जो हमारा नाल शटर होता है, ये साइड में सूता लग जाने से आपका मशीन भारी चलने लगता है और साउंड होने लगता है। तो इसको क्या करना है आपको, देखिए शटल आपको कैसे निकालना है। शटल को ऐसे पकड़िएगा जिसमें ये बबिन केस रहता है, ये बाएं साइड में रहेगा, और पीछे से इसको ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ये शटल हुआ। अब इसको खोल के हम पूरा साफ करेंगे। देखिए, इसमें ये हमने पत्ती निकाल दिया है। ये पत्ती, ये रेस रिंग बोला जाता है, इसको दाब के रखता है, तो इसको भी हमने निकाल लिया है। और आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से इसे थोड़ा साफ कीजिएगा कपड़ा से, जो साइड में सूता लग जाता है। देखिए, इसमें भी थोड़ा डस्ट जैसा लग गया है, इसको भी आप साफ़ कर लीजिएगा। ये हमने अब पूरा साफ़ कर लिए। अब फिर कैसे इसको सेट करेंगे, तो जैसे वैसे करने से तो होगा नहीं। तो देखिए, ये है हमारा सीधा और ये है उल्टा, तो इसको आपको बैठाना है। ये मुंह जो हमारा है, ऐसे अगर कर दीजिएगा तो आपका शटल कभी इसमें सेट नहीं होता है, इसलिए आपको हमेशा ये चेप्टा वाला जो है नीचे लगाना है। कैसे करके आप लगा दिए, फिर ऊपर से इसको लॉक कर दीजिएगा। लॉक करते समय ध्यान रहे आपको, ये स्क्रू जो हमारा है लूज न रह जाए, इसलिए इसको फुल टाइट कीजिएगा। फुल टाइट करने के बाद में शटल इसमें लगा देना है। तो शटल देखिए, आपको बार बार बोलना है कि हमारा बबिन केस बाएं साइड में रहता है, तो इसको दाहिने से लगाएंगे। तो यहाँ रख के हमने इसको ऐसे पुश कर दिए, ये हमारा बैठ गया है। अब ये फ्री हो गया है, थोड़ा तेल डाल देंगे। इसको सेट कैसे करना है, देखिए ये हमारा कैरियर बोला जाता है, कैरियर को आप बाएं साइड में रखिएगा, ये जो हमारा शटल है दाहिने साइड में रखिएगा। आप इसको ऐसे बैठा देना है, बैठ गया, ये दोनों स्क्रू इसमें लग जाएगा। इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, इसको भी टाइट कीजिएगा।
देखिए दोनों साइड में हमने टाइट कर लिए हैं, ये हमारा सेट बैठ गया। अब मशीन चला के थोड़ा देखेंगे। अब बबिन किस हम लगा देंगे। इस स्लाइड प्लेट बोला जाता है, इसको भी लगा देंगे। हमारा मशीन ओके। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और छोटी मोटी ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। वीडियो फुल देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।